इजराइल के हमले से दहला ईरान। मिडिल ईस्ट में भड़का महायुद्ध। इजराइल ने जंग में उतारे 100 फाइटर जेट। इजराइल के हमले से धुआं धुआं हुआ तेहरान। शनिवार सुबह सुबह इजराइल ने ईरान को अपने हमले से हिला कर रख दिया है। ईरान पर इजराइल का ये अब तक का सबसे भीषण हमला है, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। इस हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया। दरअसल इजराइल ने शुरुआती हमला सीरिया में रडार ठिकानों पर किया। इसका मकसद ईरान की क्षमताओं को कम करना था। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और रणनीतिक शहर करज पर भी इजराइल ने हमला बोल दिया। इजरायली सेना IDF ने इसकी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष ना बढ़े, इसीलिए न्यूक्लियर और तेल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया गया। इसके जगह इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला बोला। ईरान पर इस हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है, क्योंकि ईरान या उसके प्रॉक्सी की ओर से संबंधित जवाबी कार्रवाई की आशंका है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर टारगेट पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में F-35 फाइटर जेट समेत करीब 100 फाइटर जेट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का मेन टारगेट ईरान की राजधानी तेहरान और कारज शहर पर केंद्रित था। IDF ने कहा कि हर हमले ने मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। एयर स्ट्राइक संभवतः एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर अटैक के साथ शुरू हुआ। इससे ईरानी सैन्य ठिकानों पर अटैक का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि रडार के खत्म होने से दुश्मन ये नहीं जान सकता कि हमला किस पैमाने का है। आपको बता दें कि इस तरह के मिशन में भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लंबी दूरी तक जाने के लिए जेट में ईंधन भी भरना पड़ता है। ऐसे वक्त में इजराइल की 669 रेस्क्यू यूनिट भी हाई अलर्ट पर होती है। IDF अब ईरान, इराक, यमन, सीरिया और लेबनान की ओर से संभावित जवाबी हमले पर बारीकी से नजर बनाए हुए। इस बीच शनिवार को इजरायली सेना ने कहा कि उसने सटीक हमले किए। हमला शनिवार की सुबह करीब 2:30 बजे किया गया। इजराइल ने यह भी नहीं बताया कि आखिर एयर स्ट्राइक किस जगह पर हुई, लेकिन ईरान की मीडिया ने बताया कि सुबह सुबह हमलों की आवाज सुनाई दी। हालांकि ईरान की ओर से हमले को बेहद कम करके बताने की कोशिश की जा रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान बड़ी जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। इस हमले के साथ ही ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और बढ़ गया है। आपको बता दें कि ईरान पर शनिवार की सुबह इजराइल ने सबसे बड़ा हमला बोला है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए लगभग 100 विमानों का इस्तेमाल किया। इसमें F-35 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है।